हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज है 22 फरवरी 2020। आज का जो भी करंट अफेयर होगा वो ना डिस्कस करके हम वीकली एमसीक्यू ऑफ करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। कैसे कि देखो, जो भी 16 से लेकर आज हम 19 तक का करंट अफेयर लेकर आएंगे, और सैटरडे संडे को ऐसा ही रहा करेगा। जो भी पूरे सप्ताह में करंट अफेयर्स रहेंगे वो हम सैटरडे संडे को डिस्कस किया करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा प्रॉपर और आपकी तैयारी बूस्टअप होती रहेगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2020 के लिए थोक मूल्य सूचकांक कितना रहा है? तो 3.1% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत और कुछ अन्य देशों से आने वाले माल पर काउंटर वेस्टिंग ड्यूटी लगाने के लिए अपना प्रशासनिक नियम बदल दिया है? तो यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 को आधिकारिक तौर पर इसके आयोजित जीएसएमए द्वारा बंद कर दिया गया है, जो किस शहर में होना था? तो ये बार्सिलोना में होना था, जिसे बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2020 को लॉ ऑफ स्टेट के विषय के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दों पर केंद्रित डिफिकल्ट डायलॉग्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 फरवरी से 1 मार्च तक की अवधि में आयरलैंड देश की सरकार आयरलैंड में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक छात्रों के लिए किन भारतीय 5 शहरों में एजुकेशन इन आयरलैंड मेलों का आयोजन करेगी? तो वो 5 शहर रहेंगे, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु और चेन्नई और मुंबई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द सोसाइटी फॉर इथोनोफार्माकोलॉजी का उद्घाटन 15 फरवरी 2020 को किस शहर में हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य कौन सा है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत वर्ष 2019 से 2020 के लिए उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के साथ सहभागी बनने हेतु जोड़ा गया है? तो वो है मेघालय। मेघालय की कैपिटल होती है शिलोंग, उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है लखनऊ होती है, अरुणाचल की राजधानी जो होती है ईटानगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी को इंडिया टूरिज्म ने किस शहर में उत्तर प्रदेश पाक शास्त्र उत्सव का आयोजन किया है? तो मावदेयांग शिलांग में पाक शास्त्र उत्सव पूछ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पाक शास्त्र उत्सव कहाँ पर हुआ था? तो शिलांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी को पुर्तगाली राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी सोशा ने जोना बास्कोन सेलोस की कला नमूना रही चाचाई कलाकृति का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये किया था राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। पुर्तगाली जो राष्ट्रपति थे वो इंडिया के विजिट पर आए हुए थे, तब उन्होंने ये जो उनकी नमूना रही चाचाई कलाकृति है उसका उद्घाटन किया राष्ट्रीय नेशनल जो म्यूजियम उसमें नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, नेशनल म्यूजियम कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अब पुर्तगाल की बात करेंगे तो पुर्तगाल की कैपिटल होती है लिस्बन और वहाँ की करेंसी होती है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 80 क्वेश्चंस हैं, तो उन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। 14 फरवरी 2020 को किस शहर में महिलाओं और बच्चों का कौशल बढ़ाने के लिए नीतिगत ढांचा विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया है महिलाओं और बच्चों को कौशल बढ़ाने के लिए नीतिगत ढांचा विषय पर। ओके, भारत की पहली अंतर सहित इलेक्ट्रॉनिक सेवा बस सेवा 43 आसन वाली, मतलब 43 सीट वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक बस है जो एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक जा सकती है, किन किन शहरों के मध्य चलेगी? तो मुंबई और पुणे के बीच पहली जो है इलेक्ट्रिक बस सेवा चलेगी और ये 43 सीटर है। और इसको क्या है, इसकी क्या खासियत है, 300 अगर इसे चार्ज कर लिया गया फुल तो 300 किलोमीटर तक ये चल सकती है और मुंबई और पुणे के मध्य ये चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पुर्तगाल के साथ संधि की जिसके तहत कहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापित किया जाएगा? तो लोथल, गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग ने किस व्यक्ति की अध्यक्षता में रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्यीय समूह का गठन किया है? तो एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की वार्षिक छायाचित्र प्रतियोगिता में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के विजेता कौन हुए हैं? तो सैम रोवले जो हैं 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द अवार्ड के विजेता हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SFE हर्बल इंडस्ट्री लीडर अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? तो वो है के शर्मा, हर्बल इंडस्ट्री लीडर अवार्ड 2020 के विजेता के शर्मा बने हुए हैं।
SFE जीवन गौरव पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो डॉक्टर नित्य आनंद जो है जीवन गौरव पुरस्कार 2020 के विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SFEC 2020 परिषद में उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय इथोनोफार्माकोलॉजिस्ट 2020 के लिए पुरस्कार जीतने वाले कौन हैं? तो वो है डॉक्टर राय उपटन। अब देखो, तीन पुरस्कार SFE से ही हुए हैं। हर्बल इंडस्ट्री लीडर बने हैं वो के शर्मा है। जीवन गौरव पुरस्कार SFE का मिला है डॉक्टर नित्यानंद को। उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय इथोनोफार्माकोलॉजिस्ट का जो अवार्ड मिला है वो राय कप्टन को मिला है। ठीक है, बेंगलुरु में हीरो इंडियन महिला लीग 2020 किस फुटबॉल प्रतिस्पर्धा का विजेता है? तो वो है गोकुलम फुटबॉल क्लब। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में हीरो इंडियन महिला लीग 2020 किस फुटबॉल प्रतिस्पर्धा का विजेता है? तो वो है डोकलुम केरल फुटबॉल क्लब। ओके, जो बेंगलुरु में हीरो इंडियन महिला लीग 2020 हुई है उसमें जो टीम विजेता हुई है वो हुई है गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन स्थापित करने के लिए 377 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने, जो उत्तराखंड राज्य है उसने जो उत्तराखंड राज्य का मंत्रिमंडल है उन्होंने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए जो इको सेंसिटिव जोन है उसे स्थापित करने के लिए 377 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल परिवर्तन कुंभ का आयोजन 17 से 18 फरवरी को किस शहर में किया जाएगा? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो इसका मतलब 17 से 18 फरवरी तक एकल परिवर्तन कुंभ का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ 3 प्रत्यक्ष धान खरीद केंद्रों का संचालन करेगा? जो भारतीय खाद्य निगम है वो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जो कराईकल क्षेत्र है वहाँ पर 3 प्रत्यक्ष धान खरीद केंद्रों का संचालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली तहसील कहाँ है जिसे ISO 14001 प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है? तो जो पहली तहसील है उत्तर प्रदेश की वो है लखीमपुर खीरी की तहसील जिसे ISO 14001 प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। ये क्यों प्रदान किया जाता है? तो ये जो पर्यावरण में अच्छा जो जिनका रोल होता है उसके लिए पर्यावरण के क्षेत्र में इसे प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्य पर्यटन विभाग ने जल आधारित पर्यटन प्रकल्प के विकास के लिए केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ओडिशा सरकार ने इनलैंड जो केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन है उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्यों किए हैं? पर्यटन विभाग जो है उन्होंने जल आधारित पर्यटन प्रकल्प के विकास के लिए ये समझौता किया है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर होती है, वहाँ के CM अगर पूछे जाएंगे तो नवीन पटनायक, अगर गवर्नर पूछे जाएंगे तो गणेशी लाल हो जाएंगे। भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क जो है वो भी वहाँ पर आपको मिलेगा। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेटल कार्बाइड नैनो पार्टिकल की खोज की जो कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन ईंधन में परिवर्तित कर सकता है? तो USC बिटरवी स्कूल ऑफ इंजीनियर अमेरिका। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेटल कार्बाइड नैनो पार्टिकल की खोज की है? तो ये जो USC बिटरवी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है अमेरिका का, इसने नैनो पार्टिकल खोज की है जो कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के संचालक मंडल ने किस वित्त वर्ष से RBI के वित्तीय वर्ष को सरकार के वित्तीय वर्ष से संरेखित करने की सिफारिश की जो वर्तमान में जुलाई जून है? तो वर्ष 2020 से 21 में भारतीय रिजर्व बैंक के संचालक मंडल ने किस वित्त वर्ष से RBI के वित्तीय वर्ष को सरकार के वित्तीय वर्ष से संरेखित करने की सिफारिश की है? वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष है वो जुलाई जून है, तो जिसे अप्रैल मार्च करने के लिए 2020 से 21 में संरेखित करने की सिफारिश की है RBI ने। RBI का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, गवर्नर है शक्तिकांत दास, और अगर डेप्यूटी गवर्नर जो चौथे नंबर के अभी नव नियुक्त हुए उनका नाम है माइकल डी पात्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी को भारत ने समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में किस यूरोपीय राष्ट्र के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पुर्तगाल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। लिस्बन और यूरो यहाँ की करेंसी हो जाती है। लिस्बन पुर्तगाल की जो है कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में होने वाले प्रौद्योगिक शिखर
परिषद 2020 में भारत का भागीदार देश कौन सा रहा है, तो वो रहा है पुर्तगाल। ठीक है, प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 हुआ है उसमें जो भागीदार देश है वो रहा है पुर्तगाल। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कौन सा है जिसने लंदन में केवल 10,000 रुपये की लागत से किराना चार्जर नामक स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो FAE बाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशीलता के बारे में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे मूव 2020 परिषद शहर में 11 से 12 फरवरी को आयोजित की गई है, तो ये लंदन में आयोजित की गई है मूव 2020 परिषद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी को ESI कॉरपोरेशन की 181वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो ये दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन वाराणसी से इंदौर मार्ग पर ये चलेगी, इसका नाम क्या है, तो काशी महाकाल एक्सप्रेस है जो कि तीसरे नंबर की कॉरपोरेट ट्रेन है और ये इंदौर से वाराणसी से इंदौर मार्ग पर ये चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की जनजातीय बैठक 1 से 3 जून 2020 कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये मुनस्यारी उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला है, वहाँ एक स्थान है वहाँ पर ये आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव बंसल जी को एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य नीति बरसेज ऑन लाइफ एंड लिविंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो चाणक्य नीति बरसेज ऑन लाइफ एंड लिविंग पुस्तक के लेखक है A.N.D. हक्सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बॉक्सिंग टास्क फोर्स द्वारा ओलंपिक पात्रता खिलाड़ी के लिए 52 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो वो हैं अमित पंघाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार एक भारतीय पेंगुइन को रेडियो टैग दिया है, तो रेडियो टैग किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पेंगुइन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार का नया मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से जनता पुलिस को नशीली पदार्थ के दुरुपयोग के बारे में सूचित कर सकती है, तो योधावू वॉरियर, ये केरल सरकार का नया ऐप है जिसके द्वारा क्या होगा कि पुलिस को नशीली पदार्थ के दुरुपयोग के बारे में सूचित करेगी जो भी पब्लिक होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र राज्य से संबंधित लंबित प्रस्तावों का पालन करने के लिए गठित राज्य स्तरीय संसदीय समिति के लेखक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अध्यक्ष बने हैं अरविंद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पेंगुइन दिवस कब मनाया गया है, तो पेंगुइन दिवस मनाया गया 15 फरवरी 2020 को। अगर पूछा जाएगा ये माह के किस दिवस को मनाया जाता है, तो फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। गल्फ फूड कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, वह जगह कौन सी है, तो गल्फ फूड का जो आयोजन है वो दुबई में किया गया है UAE के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2020 से आयोजित की जाने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है, तो वो है भारत। भारत संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगर भारत के अंदर पूछा जाए तो गुजरात के गांधीनगर में ये सम्मेलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2020 को समापन होने वाले 10वीं वर्ल्ड प्रोटोकॉल कांग्रेस का आयोजन स्थल क्या रहा था, तो रहा था नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी को किस शहर में प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा का अनावरण किया, राष्ट्र को दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी एक रूप अनेक आयोजन का आयोजन स्थल क्या था, तो वो है वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2020 को किस शहर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन में आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ और शांत शहर कौन सा है, तो वो है इंदौर मध्य प्रदेश। चुनाव आयोग ने 2-वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की अवधारणा को विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है, तो चुनाव आयोग ने IIT मद्रास के साथ भागीदारी की है, क्योंकि है 2-वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की अवधारणा को डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस फायर ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है धीरेन्द्र तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला में एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं, तो वो बने हैं गोपाल सिंह। द एलिफेंट गर्ल उपन्यास के लेखक कौन है, तो वो है चितरंजन पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 में पुरुषों की 50 किलोमीटर दौड़ की प्रतियोगिता के विजेता कौन है, तो वो है सनवन
नमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राज्य कौन कौन से हैं जहां सरकारी कर्मियों को 5 दिवस कार्य का सप्ताह नीति लागू है? तो वे राज्य हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सप्ताह में सिर्फ 5 दिन वर्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस जो 13 फरवरी 2020 को मनाया गया है उसकी थीम क्या रही है? तो रेडियो एंड डाइवर्सिटी जो रही है रेडियो दिवस की थीम रही है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को। और ये 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसका कारण ये है कि जो सरोजिनी नायडू जी थी उनकी जयंती दिवस पर ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के किस जहाज़ को राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया है? तो INS शिवाजी को राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया गया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के संधायक श्रेणी का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज कौन सा है जो श्रीलंका के दक्षिण तट के संयुक्त रूप से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए कोलंबो पहुंचा? तो INS जमुना J-16। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2500 करोड़ रुपए की पूंजी किन 3 बीमा कंपनियों में निवेश करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 3 कंपनी है जिसमें 2500 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश करने का सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बैंकों की सूची में ब्रांड मूल्य में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्शाने वाली बैंक कौन सी है? तो वो है इंडसइंड बैंक, जो कि 12 महीनों में ब्रांड मूल्य में 122% की वृद्धि हुई है इस बैंक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंड पुअर द्वारा दी गई भारत की सोवेरियन रेटिंग क्या है? तो BBB है स्थिर दृष्टिकोण के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन के अनुसार अगले कितने वर्षों में जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में पौधों और जानवरों की 3 प्रजातियों में से 1 विलुप्त हो सकती है? तो 50 वर्षों में 2070 तक क्या होगा कि 3 प्रजातियां होंगी तो उसमें से 1 प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से है, 13 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने एक प्रस्ताव के साथ किस युद्धग्रस्त देश में युद्ध स्थायी युद्ध विराम के लिए आह्वान किया है? तो लीबिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2030 तक भुखमरी को समाप्त करने के लिए स्थायी खाद्य प्रणालियों में निवेश इस विषय के तहत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के प्रशासन परिषद के 43वें सत्र का आयोजन किस देश में 11 से 12 फरवरी को किया गया था? तो रोम में। अगर इसमें खाद्य की बात होगी तो आप तुरंत बताएंगे, FAO का हेडक्वार्टर जो है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको रोम में मिल जाएगा। अगर उनके हेड पूछे जाएंगे तो हेनरीटा H4 जो है FAO के अध्यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबमरीन नेटवर्क वर्ल्ड 2020 नामक विषय की अग्रणी वार्षिक पनडुब्बी संचार सभा कहाँ 23 से 24 सितंबर को आयोजित की जाएगी? तो सिंगापुर में ये आयोजित की जाएगी। सिंगापुर की कैपिटल हो जाती है सिंगापुर सिटी और वहाँ की करेंसी हो जाती है डॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास पूछेंगे तो आप सिम्बैक्स बता देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टार्टअप उद्योग ने शैट शोर कंपनी के साथ भारत में कृषि के लिए फसल और पानी में के प्रबंधन के सुधार के लिए प्रौद्योगिकी पर काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस स्टार्टअप उद्योग ने? पिक्सेल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम क्या कर दिया गया है? तो सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम कर दिया गया है। ओके, नई दिल्ली के विदेशी सेवा संस्थान का नाम क्या कर दिया गया है? तो सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन सर्विस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार 21 से 23 फरवरी को किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए जैविक खाद्य उत्सव का आयोजन करेगी? तो ये उत्सव करेगी नई दिल्ली के अंदर।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किस नगर निगम के सहयोग से एक अपशिष्ट निपटान परियोजना पर काम करेगा? तो यूएनडीपी किस पर काम करेगा? ऋषिकेश उत्तराखंड के साथ सहयोग करेगा और जो अपशिष्ट निपटान होगा उस परियोजना पर वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी से भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला का 47वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ था? तो तिरुपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संस्थान कौन सा है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कंपनियों की मदद करने के लिए एक स्थिरता लेखा मानक मंडल स्थापित करेगा, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना करेगा? तो वो कौन करेगा? भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान जो है वो इस संस्थान को स्थापित करेगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार गुप्ता को भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो मार्सेलो रेवेलो डी सोसा जो हैं ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। ओके विश्व की सबसे बुजुर्ग पुरुष कौन है? तो 112 वर्ष और 344 दिन के हैं, तो उनका नाम है चितेत्सु वातानाबे और ये जापान में हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी अर्थव्यवस्था के काम के लिए 2020 टाइलर पुरस्कार मतलब पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो पवन सुखदेव नामक जो हैं पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं और टाइलर पुरस्कार के नाम से भी पूछा जा सकता है। हरी अर्थव्यवस्था के काम के लिए 2020 टाइलर पुरस्कार के नाम से भी इसे पूछा जा सकता है, तो पवन सुखदेव। ओके अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय पटेल को। मार्च 2020 में होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मेजबान कौन सा केंद्र शासित राज्य रहेगा? तो लद्दाख केंद्र शासित राज्य रहेगा। लद्दाख से क्वेश्चन यही बन जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को, और इसके जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है आरके माथुर। और एक क्वेश्चन और बनेगा, इसमें कितने जिले हैं? तो लेह और कारगिल, कैपिटल हो जाएगी यहाँ की लेह। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय कौन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 खिताब जीता है? तो मनप्रीत सिंह है, ये भारतीय पुरुष हॉकी संघ के कप्तान हैं। ओके वह पहले भारतीय है, एक तो ये प्रथम भारतीय है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है, तो मनप्रीत सिंह ने। वह दो श्रेष्ठ खिलाड़ी कौन कौन हैं जो मार्च 2020 को मुंबई में अन अकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज नामक एक T20 खेलों की शुरुआत के खेल में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे? तो ये जो है सचिन तेंदुलकर और वेस्ट इंडीज़ के जो ब्रायन लारा हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे एक T20 खेलों की शुरुआत में। ओके ऑल इंडिया बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप 2020 का विजेता कौन सी सेना रही है? तो ये रही है भारतीय सेना। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाई जाती है। ओके भारतीय नौसेना रही है विजेता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य भर में किशोर घरों में बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2 करोड़ के वार्षिक बजटीय प्रावधान के साथ किशोर न्याय कोष को मंजूरी दी है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार। ओके किस देश ने एला नाम का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पुलिस एक जीवन जैसा आवासी सहायक पदाधिकारी प्रस्तुत किया है? तो न्यूजीलैंड ने एला नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस को लॉन्च कर दिया है एक ऑफिसर के रूप में। तो ये था हमारा आज का वीकली MCQ का बहुत ही अच्छा जो भी रिवीजन था वो, तो और इससे जो भी क्वेश्चन अब बचे हैं वो कल के वीडियो में आ जाएंगे, जितने भी बन रहे होंगे हो सकता है 150 तक चले जाएं। ओके तो आप लोग को क्या करना है, इसका रिवीजन कर लेना है और हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को फॉलो कीजिएगा। आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप शेयर चैट और डेली मोशन अगर यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके और आप हमारे खबरी अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ से आपको जो भी ऑडियो क्लिप होगी वो आपको सुनने को मिल जाएगी और वहाँ से रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको ज़रूर ज़रूर से वहाँ फॉलो भी करना है और वहाँ से ऑडियो क्लिप पर डे सुननी भी है। ओके एंड आपको ये अगर चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड आपको क्या करना है कि अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी क्लासेस की PDF होंगी वो आपको प्राप्त हो जाएंगी अच्छे से। ओके और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।
और हमेशा अपने सपनों को लेकर यही मन में रखिए जुनून कि हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। निरंतर प्रयास करते जाइए, असफल होते कोई मैटर नहीं करता, कितना भी आप असफल हो रहे हैं पर आप प्रयास इतना अच्छा करते जाइए, असफल होते होते एक दिन आप सफल अवश्य बनेंगे। ओके, इसी के साथ सभी लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद।